हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मेरा नाम है इतहा दलाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एनिमेशन सिखाना स्टार्ट करूंगा आफ्टर इफेक्ट्स में तो ये हम लोग ने एक सिंपल शेप क्रिएट किया था पिछले ट्यूटोरियल के अंदर अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और मैंने ये यहाँ पे एक सर्कल शेप लेयर क्रिएट किया है इसको चालू करते हैं ऐसे और ये एक सिंपल ब्लैक सर्कल है इसके ऊपर हम लोग सिंपल एनिमेशन लर्न करना स्टार्ट करेंगे uh, आप देख सकते हो कि जो मेरा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट था यहाँ पे जिसको मैंने थोड़ा टाइम पहले क्रिएट किया था उसके अंदर सिंपल एनिमेशन के ऊपर ही सब चल रहा है तो यहाँ पे स्केल एनिमेशन हो रहा है फिर इसके बाद रोटेशन होगा उसके बाद और कुछ होगा यहाँ पे दूसरी जब चीजें भी यूज की गई है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम लोग ने सिर्फ स्केल रोटेशन और पोजिशन यूज किया है लेकिन ज्यादातर स्केल रोटेशन और पोजिशन ही यूज़ किया है आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोजिशन यूज हो रहा है एरोज में स्टार्टिंग में स्केल है फिर रोटेशन है और वगैरह तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्केल रोटेशन और पोजिशन है ये तीन प्रॉपर्टीज़ ये तीन प्रॉपर्टीज आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बेसिस के ऊपर ही आप बहुत सारे अच्छे अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो तो हम लोग लर्न करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैंने ये शेप लेयर क्रिएट किया है आप पिछला ट्यूटोरियल देखिए अगर आपको शेप लेयर्स के बारे में जानना है तो जो एस जो स्केल की शॉर्टकट है वो है एस की तो अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने एस दबाया तो स्केल आ जाएगा आर रोटेशन लिए है और पी फॉर पोजिशन तो मैं स्केल का एनिमेशन स्टार्ट करता हूं अभी एस दबा के ऐसे अगर आपको कुछ भी एनिमेशन स्टार्ट करना है तो आप ये स्टॉप वॉच पे क्लिक कीजिए ऐसे और आप देखोगे कि जब आपने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया तो आपने एक की फ्रेम क्रिएट कर दी यहां पे, देख सकते हो और ये जो की फ्रेम है ये आपके एनिमेशन हो गए। ये आपने अगर दो की आ, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जो एनिमेशन है वो हमेशा दो की फ्रेम्स के बीच में ही होगा अगर आपने सिर्फ एक की फ्रेम क्रिएट की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन नहीं हो रहा है लेकिन मैंने एक की फ्रेम एक सेकेंड पर क्रिएट की मैं आगे जाता हूँ टाइम में तीन सेकेंड तक और मैंने ये स्केल के अंदर कुछ चेंजेस किए तो अगर आप देखोगे कि, कि मैंने कुछ भी चेंजेस किए स्केल के अंदर जैसे कि मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया स्केल का तो यहाँ पे एक और की फ्रेम क्रिएट हो गई तो ये दो की फ्रेम्स के बीच में अभी एनिमेशन होगा तो अगर मैं इसको प्ले करूँ ऐसे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सर्कल है वो ग्रो हो रहा है शायद मैं इसको 500 कर देखता हूँ तो आप आपके आप आसानी आजा, से देख सको दिख रहा है आपको कि इन दो की फ्रेम्स के बीच में ही एनिमेशन होगा आप एक बार ध्यान में रखिए दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक की फ्रेम क्रिएट किया तो अभी आप उसको चेंज नहीं कर सकते आप कोई भी की फ्रेम पे जाइए आपका जो ये जो सी टी आई है ये जो ब्लू हेड uh, है यहाँ पे इसको आप मूव कर सकते हो इसको करंट टाइम इंडिकेट कहते हैं सी टी आई आप इसको एक सेकेंड या फिर कोई की फ्रेम के ऊपर रखिए और फिर आप आराम से उसका की फ्रेम का वैल्यू चेंज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक की फ्रेम क्रिएट कर दी तो उसका वैल्यू अभी चेंज नहीं होगा आपका फुल काम वापस से करना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप की uh, फ्रेम्स को बहुत ईजिली एडिट कर सकते हो और आप की फ्रेम्स को बहुत ही इजीली मूव भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो समझिए आपने बहुत सारी की फ्रेम्स क्रिएट कर दी गलती से और आपको डिलीट करनी है उनको तो आप सिंपली उनको सिलेक्ट कीजिए ऐसे इन पर क्लिक कीजिए ऐसे और और डिलीट दबा दीजिए और वो की फ्रेम्स चली जाएगी अभी क्या हुआ है कि जो की फ्रेम्स अगर आप डिलीट करते हो दोस्तों तो ऑटोमेटिकली उसके जो पहले वाली की फ्रेम है उसका वैल्यू अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे ये की फ्रेम का वैल्यू 500 है और इसके पहले वाली जो की फ्रेम है उसका वैल्यू जीरो है तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ ऐसे तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो जीरो है जो इसकी पहले वाली की फ्रेम है उसका वैल्यू अप्लाई हो जाएगा देखा तो ये तो यहाँ पे स्केल के अंदर जीरो आ रहा है अभी अगर मैं ये की फ्रेम पर जाके चेंज करता हूँ इसका वैल्यू से मैं हंड्रेड कर देता हूँ तो अभी हंड्रेड है यहाँ पर कुछ एनिमेशन नहीं है बिकॉज एनिमेशन जैसे मैंने कहा दो की फ्रेम्स के बीच में होता है अब एक बात ध्यान रखिएगा तो इसको हम लोग टू फिफ्टी तक आ, कर देते हैं और जो फर्स्ट वैल्यू है जो फर्स्ट की फ्रेम का वैल्यू है यहाँ पे मैं ऐसे लेके आता हूं इसको हम लोग जीरो कर देते हैं अब एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कभी कभी बेगनोर्ज ऐसा करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता और वो है ना मैं एकदम ही जूम हो चुका वो अभी वो लोग यहाँ पे आके ऐसे कर देते हैं तब देखोगे कि यहाँ पे दो की फ्रेम्स गलती से क्रिएट हो चुकी है और कई बार बिगिनर ऐसा करते हैं जब वो सी टी आई मूव कर रहे हैं तो यू नो you know, वो गलती से यहाँ पे क्रिएट करने की जगह पे यहाँ पे कुछ चेंज करने की जगह पे एक की फ्रेम या फिर एक फ्रेम आगे या पीछे चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से उनका फुल एनिमेशन ख़राब हो जाता है तो आप देख सकते हो कि ए, एक स्मूथली ज़ीरो से ग्रो होने की जगह पे सीधा यहाँ पे एक झटका आ रहा है हमें बिकॉज यहाँ पे गलती से हमने दो की फ्रेम्स क्रिएट कर दी है तो कोई बात नहीं मैं इसको सेलेक्ट करूंगा इसकी फ्रेम को डिलीट करूंगा और आप देखोगे कि इसकी जो पुरानी की फ्रेम थी इसके पहले वाली उसका वैल्यू अप्लाई हो चुका है तो जीरो से अब ये अच्छे से ग्रो होगा और वो झटका इफेक्ट हमको नहीं आएगा राइट तो ये जीरो से 250 तक ग्रो हुआ करीबन दो सेकंड में आप की फ्रेम्स को बहुत ही इजीली मूव कर सकते हो तो देख रहे हो कि मैं एक को मूव कर सकता हूं ऐसे राइट मैं दोनों को साथ में पकड़ के मूव कर सकता हूं ऐसे तो समझिए कि अभी अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो एनिमेशन है वो एक सेकंड से नहीं ज़ीरो सेकंड से चालू होना चाहिए तो मैं मेरी पहली की फ्रेम लूँगा और इसको ऐसे मूव कर दूंगा मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों मैं श... मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ की फ़्रेम को मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये जैसे नज़दीक आए सी के तो ये स्नैप हो जाए ये थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा अगर आपको की फ्रेम्स बराबर से प्लेस करनी है तो वो एक छोटा सा टिप है तो इसको लेके आते हैं यहाँ पे और अभी आप देखोगे कि ये जो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से ही हमारा एनिमेशन चालू हो रहा है ऐसे आप देख सकते हो कि हमारा एनिमेशन बहुत ही स्लोली आ रहा है तीन सेकेंड कुछ ज़्यादा ही स्लो है मेरे हिसाब से तो इसको नज़दीक लेके आते हैं तो अगर मैं कोई की फ्रेम्स नज़दीक लेके आता हूँ एक दूसरे से तो उनका एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा फास्ट जाएगा तो अब इसको प्ले करके देखते हैं आप देख सकते हो कि इसका एनिमेशन अभी तीन सेकंड से बस एक सेकंड मैंने कर दिया तो ये कितना फास्ट जा रहा है करेक्ट अगर मैं इसको और नज़दीक लेके आऊँ ऐसे तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा फास्ट किया बराबर तो ऐसे आप कर सकते हो की फ्रेम्स को एडिट ये है सारे बेसिक्स की बोर्ड बेसिक्स है एनिमेशन के ऑफ्टवेयर इफेक्ट्स में कि की फ्रेम्स क्रिएट करो ये स्टॉप वॉच पे क्लिक करके आप की फ्रेम्स को ईजिली मूव कर सकते हो ठीक है आप की फ्रेम के वैल्यूज चेंज कर सकते हो बस ध्यान में रखिए कि आपने सही की फ्रेम को सिलेक्ट किया है कभी कभी लोग ऐसे कर देते हैं और फिर वो लोग अगर वैल्यूज चेंज कर देते हैं तो फिर उनको वो झटका इफेक्ट आएगा देखा कि वो ज़ीरो से ग्रो नहीं हुआ वो सीधा हंड्रेड पे आ गया या वन फिफ्टी पे आ गया और वो झटका इफेक्ट हमें आया तो आप बस देखिए कि आपका सी सही जगह पर प्लेस्ड है ऐसे और फिर आप की फ्रेम्स को बहुत ही ईजिली मूव कर सकते हो ऐसे राइट आप की फ्रेम्स को एक दूसरे के नज़दीक लेके जा सकते हो फास्ट एनिमेशन के लिए या फिर दूर लेके जा सकते हो स्लो एनिमेशन के लिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों और कुछ क्रिएट करना तो मैंने यहाँ पे एक स्टार क्रिएट किया था पिछले जीरो थ्री ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग इसके ऊपर थोड़ी और चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग स्केल और रोटेशन अभी साथ में अप्लाई करते हैं तो स्केल रोटेशन मैं आपको बता चुका हूँ एक की फ्रेम क्रिएट करते हैं यहाँ पे और इसकी वैल्यू कर देते हैं ज़ीरो मैं चाहता हूँ कि वो ज़ीरो से ग्रो हो मैं आगे जाऊँगा मेरे सी को लेकर और मैं इसका एनिमेशन कर दूंगा हंड्रेड तो अगर मैं अभी प्ले करूँ इसको ऐसे स्पेस बार से तो ये ज़ीरो से ऐसे ग्रो होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रोटेट होते हुए ग्रो हो तो क्या करूँगा मैं मैं वापस से वन सेकेंड पे जाऊँगा मैं शिफ्ट आर दबाऊंगा अभी अगर मैं शिफ्ट आर दबाता हूँ तो मेरी स्केल की प्रॉपर्टी चली जाएगी और मेरी रोटेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी अगर मैं शिफ्ट एस या फिर शिफ्ट uh, करके कोई अल्फाबेट uh, दबाता हूँ तो मेरी स्केल की प्रॉपर्टी रहेगी या फिर मेरी जो प्रॉपर्टी पहले से खुली है वो तो रहेगी ही लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी आ जाएगी तो मेरी स्केल प्रॉपर्टी अभी खुली है अभी के लिए राइट ऐसे अभी मैं शिफ्ट आर दबाऊंगा तो रोटेशन भी आ जाएगा मैं फर्स्ट की फ्रेम पे जाता हूँ जो वन सेकेंड पे क्रिएट की थी एनिमेशन स्टार्ट करता हूँ सेकेंड की फ्रेम के मार्क पे जाता हूँ और इसका एनिमेशन ऐसे चेंज कर देता हूँ और आप देखोगे कि अब ये रोटेट होते हुए आ रहा है, राइट right? तो ऐसे आप सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो हम लोग सेकंड की फ्रेम पे जाते हैं और इसका रोटेशन और इंक्रीज कर देते हैं ऐसे और आप देखते हैं एनिमेशन कैसे हो रहा है तो देखो रखते हो कि अच्छी तरीके से एनिमेशन हो रहा है तो ऐसे दोस्तों आप स्केल रोटेशन पोजीशन को साथ में यूज़ कीजिए और अच्छे अच्छे एनिमेशन क्रिएट कीजिए शायद से अगर हम दो शेप ले साथ में अगर क्रिएट करें तो मैं स्टार को यहाँ पर रखता हूँ सर्कल को रखता हूँ और अगर मैंने इन दोनों को साथ में प्ले किया तो ये आप देख सकते हो ऐसे आएगा अब अभी आप देखिए कि जो सर्कल के की, की फ्रेम्स है वो थोड़े से लेट स्टार्ट होते हैं अगर स्टार की की फ्रेम्स भी और दोस्तों अगर आपने कुछ भी की फ्रेम्स क्रिएट किए हैं और आपको उनको देखना है की फ्रेम्स को तो आपके लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यू प्रेस कीजिए ठीक है तो आपको उनके सारे की फ्रेम दिखेंगे आप देख सकते हो कि मेरे जो सर्कल जो स्टार के की फ्रेम्स है वो वन सेकेंड पर है और जो सर्कल के है वो थोड़े से लेट है तो मैं क्या कर मैं एक काम करता हूँ मैं सर्कल को भी स्टार के साथ में सिंक कर देता हूँ ऐसे ताकि वो दोनों साथ में एनिमेशन स्टार्ट हो उनका और जो सर्कल का जो एंड की फ्रेम है जो सेकेंड की फ्रेम है वो थोड़ा जल्दी है तो इसको भी मैं थोड़ा बाद में लेके जाता हूँ आप देखते हैं हमने क्या बनाया है अभी और ये एक सिंपल सा यू नो शेप एनिमेशन तैयार है यहाँ पे बराबर शायद से ये जो सर्कल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको सर्कल में जाके हम लोग इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा डाउन कर देते हैं करीबन वहाँ तक और ये हमारी प्रॉपर्टी एनिमेट हो गई तो एक सिंपल सा शेप एनिमेशन हम लोग ने क्रिएट किया आफ्टर इफेक्ट्स में ऑफ मेंस मेरे दोस्तों अगर आप ज़्यादा टाइम फोकस करते हो एनिमेशन पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप इससे भी ज्यादा अच्छे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो लेकिन अभी बेसिक्स और बिगनर्स के लिए ये आई थिंक एक अच्छा एनिमेशन है आप एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों कि आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी जैसा खोल के देखते हो समझिए हम लोग ने स्टार में गए इसको ओपन किया कंटेंट्स में गए पॉली स्टार में गए जहां पर भी दोस्तों अगर आपको ये स्टॉप वॉच दिखेगी वो सारी प्रॉपर्टीज एनिमेटेबल uh, है ठीक है तो मतलब हम लोग यहां पे आके uh, इसके इनर रेडियस को एनिमेट कर सकते हैं आउटर रेडियस को एनिमेट कर सकते हैं पॉइंट्स तक को एनिमेट कर सकते हैं तो एक काम करते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं एनिमेट करते हैं पोजिशन पॉइंट्स को इनर रेडियस को आउटर रेडियस को वन सेकेंड मार्क पे हम लोग ने एनिमेशन शुरुआत की हम लोग हमारा सी आगे लेके जाएंगे ऐसे और इसका जो इनर रेडियस है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे आउटर रेडियस को शायद थोड़ा डिक्रीज कर देंगे और जो पॉइंट्स है उसको शायद से एक पॉइंट उसका इंक्रीज करके आठ कर देंगे और पीछे आते हैं और जो फोर्स्ट की फ्रेम है उसको एक्चुअली दो कर देते हैं या फिर तीन कर देते हैं चलिए और अब प्ले करके देखते हैं कि क्या है और आप देखोगे कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन क्रिएट हुआ है ऐसे तो आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते जाइए दोस्तों और आपके पास मेरे से ही बहुत अच्छे एनिमेशन क्रिएट करोगे आप सो so, बहुत ही शुक्रिया आपका मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप यू नो you know, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा इस वीडियो के अंदर तो वापस से देखिए इस वीडियो को आप कमेंट्स कीजिए मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा अभी थैंक यू